आज हम करते हैं इनका फेड, तो आपको बताएंगे कि शॉर्ट फेड कैसे करते हैं, फटाफट वाला। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ से। तो नीचे जीरो मारना है, लेकिन हम लोग जीरो नीचे से शुरू नहीं करेंगे, एक नंबर लगाते हैं, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। डायरेक्ट नीचे से लगा के टाइम क्यों करवाते हैं, सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे तो फेड जीरो ही मारना है, ठीक है। एक नंबर लगा दिया, अभी ये नीचे का पार्ट है, इसको हम डायरेक्ट लीवर को नीचे कर देंगे और उसको हाफ नंबर से मशीन चलाएंगे। इसको हाफ नंबर से इधर मार्क कर लेंगे। अब हम कर देते हैं लीवर को ऊपर और फिर यहाँ से एकदम जीरो वाला शुरू कर। ये फटाक से मर्च हो जाता है, ये देखो आप इधर। अब आप नीचे देखोगे ना तो फटाक से मर्च हो गया और अपना टाइम भी नहीं गया था, क्योंकि अब यहाँ से शुरू करेंगे। अभी पहले एक नंबर से शुरू करते, यहाँ से लाते, फिर जीरो हाफ से, फिर जीरो से, तो टाइम अपना जाता। तो अभी ऊपर से ही मिला दिया तो नीचे डायरेक्ट हो गया। अब हम इसको कंघी पे ऊपर का भी मर्च कर देते। आप यहाँ पे बारीक कंघी का यूज कर सकते हैं। कंघी का ही मेन काम है फिर मशीन चलाना है, जितना कंघी टैपर में क्रॉस में रखे चलाएंगे, ये ऐसे पकड़ते हैं। कंघी को उठाते रहना है पेपर में और बाल को मशीन से काट देना। उठाते उठाना है और अगर किसी के सर में थोड़ा सा खड्डा है, कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है, तो थोड़ा सा अगर डार्क वाल रह जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मशीन को किनार से निकाल सकते हैं।
लाइट डार्क दिख रहा है, वो लाइट डार्क खत्म हो जाएगा। हम इसको सीजर से थोड़ा कर लेते हैं मर्ज। नजदीक से बताओ नजदीक से कर देते हैं शेप यहाँ से डायरेक्टली। इनको रखना है पीछे फेट नॉर्मल स्लो, तो सीधा कट नहीं मारना है। नीचे कुछ बाल बचे हैं तो उनको भी हम निकाल देते हैं, उनको भी देंगे बिल्कुल मर्ज कर देंगे। तो यहाँ जैसे डार्क दिख रहा है तो इसको हम खड्डा है, ये पोजीशन उठी हुई है, तो इसको ऐसा बारीक से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे। ठीक है, अभी साइड का काम फिनिश हो गया हमारा, और हम चलते हैं ऊपर बाल को पानी मार लेंगे थोड़ा। ऊपर कितना नॉर्मल करते हैं इसको काटेंगे, फिंगर से होल्ड कर लेंगे बाल को, और अपने को इधर से दिखाऊंगा एक गाइडलाइन बना लेनी है कि कितना बाल काटना है। इतना अगर काट के चल रहा है फिर आधा बाल छोड़ देंगे, आधा इधर रख लेंगे ऐसे। ये जो गाइडलाइन है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सीधा काट देना है। फिर जब नेक्स्ट वाला लेंगे तभी ये वाला गाइडलाइन जो है इधर का बाल उसी हिसाब से ऐसे मार, बस तो आसान हो जाएगा। वरना आप समझ नहीं पाओगे कितना काटना है क्या है, कुछ नए लोग हैं नहीं समझ पाते, तो बस ये बाल इतना छोड़ के चलना है, इसको यहीं से सीधा काट देना। फिर इधर साइड में आ जाएंगे तो इधर का जो बाल काटा हुआ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सीधा काट देना। चारों तरफ हो गया, अभी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग पीछे से ऐसे, इस गाइडलाइन के हिसाब से चलते रहेंगे ऐसा।
है कि अगर जजमेंट नहीं लग पाया कितना बाल कटा है तो अभी इधर के लिए काट ले, और इसमें भी कोई बाल अगर नीचे ऊपर है तो उसको हम सीधा यहाँ से करते कितना कटा है इसमें होल्ड करके। ये हो गया इक्वल लाइन ऐसा, इसी हिसाब से इधर देखा हूँ तो बाल ऊपर करके अंदाजा नहीं लग रहा है कितना कटा है तो फिर इसको नीचे कर, तो हमें यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कितना ऊपर है, फिर बस अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो अब ये दोनों साइड हो गया हमारा बराबर। पैर मारेंगे तो बाल को पीछे से ये कंधे में घुमाते रहेंगे। थोड़ा सा इनका वैक्स लगा देते हैं MG5 का, हो गया कंप्लीट है।